नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई खबर है। जी हाँ दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में हमें एक ये खबर देखने को मिली कि जो विपक्ष है यानी कि समाजवादी पार्टी, इन्होंने अपना नेता प्रतिपक्ष को चुन लिया है। यानी कि जो विपक्ष का नेता होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन सदन के अंदर, उसको चुना है। ये एक्चुअली पोस्ट खाली हो गई थी क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जब लोकसभा चुनाव कन्नौज से जीत लिया था तो वो सांसद बन गए थे। उसके बाद से ये पोस्ट खाली हो गई थी। पहले ये नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी थे और आपको सदन में देखने को मिलता था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश यादव जी के बीच काफ़ी बहस होती थी सदन के अंदर काफ़ी मुद्दों के ऊपर। वो चीज़ अब हमें नहीं देखने को मिलेगी। अब हमें वो चीज़ करते हुए शायद दिखें माता प्रसाद पांडे जी, क्योंकि माता प्रसाद पांडे जी को अब नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। माता प्रसाद पांडे जी एक सवर्ण जाति से आते हैं, यानी कि अगले, और अखिलेश यादव जी जो प्रमोट कर रहे हैं वो पीडीए को प्रमोट कर रहे हैं। पीडीए यानी कि पिछड़ा, डी मीन्स दलित, ए मीन्स अल्पसंख्यक, तो ये इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो जब इन्होंने माता प्रसाद पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया तो इनके जो विरोधी थे, विरोधी जैसे कि मायावती, विरोधी इनके जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनको टारगेट करना स्टार्ट किया अखिलेश यादव जी को। और अखिलेश यादव जी के बारे में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, ये आए और इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी बात करते हैं पीडीए की, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात आई तो उन्होंने पीडीए से नहीं चुना बल्कि स्वर्ण जाति से चुना और अगले को चुना। तो इससे पता लगता है कि ये कितने पीडीए के साथ में है, ये इल्ज़ाम लगाया था केशव प्रसाद मौर्य जी ने। और लगभग ऐसा ही इल्ज़ाम मायावती जी ने लगाया। मायावती जी ने बोला कि जब चुनाव लड़ना था लोकसभा का अखिलेश यादव जी को, तो उन्होंने पीडीए के नाम पर लड़ा था और जब कुछ देने की बारी आई तो उन्होंने सवर्ण को दिया, यानी कि अगले जाति को दिया, वो एक ब्राह्मण हैं, तो ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा। और अगर कुछ और बात करी जाए इनकी पार्टी के अंदर के कुछ नेताओं की, तो उनका ये कहना है कि माता प्रसाद पांडे को इन्होंने इसलिए आगे लेकर आए अखिलेश यादव जी ताकि इनके जो चाचा हैं शिवपाल सिंह यादव, उनको किसी भी तरीके से आगे ना आने दिया जाए, उनको पीछे ही रखा जाए, क्योंकि अखिलेश यादव जी शायद ये नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह से शिवपाल सिंह जी जो इनके चाचा हैं वो आगे आ जाएं, क्योंकि वो अगर पार्टी में ज़्यादा मजबूत होंगे तो उससे अखिलेश यादव जी को नुकसान होगा, बहुत परेशानी होगी। इसलिए ये चाहते थे कि कोई ऐसा नेता हम आगे लेकर आएं जो वरिष्ठ हो, जिससे जो इनके चाचा हैं शिवपाल सिंह यादव जी ये ना इल्ज़ाम लगा पाएँ कि हमसे किसी कमज़ोर नेता को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। क्योंकि अगर हम माता प्रसाद पांडे जी की बात करें तो ये 81 साल की उम्र है, यानी कि 80 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं ये, और इन्होंने 7 बार चुनाव जीता है विधायकी का। सोचिए कितनी, मतलब रिच इनकी थिंकिंग होगी, कितनी पॉपुलैरिटी होगी इनकी, एटलीस्ट इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो विधान सभा से सीट से लड़कर आते हैं वहाँ, तो एटलीस्ट इनकी पकड़ होगी होगी। तो ये काफ़ी, मतलब ठीक है, वरिष्ठ नेता हैं और ये बोलने में भी बहुत अच्छे हैं, इनकी जो बातचीत है वो बहुत अच्छी है। तो अब हमको शायद योगी आदित्यनाथ जी के सामने ये बोलते हुए दिखेंगे सदन के अंदर, ये क्वेश्चन करते हुए दिखेंगे, क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं क्या सुझाव वगैरह कुछ देते हैं या नहीं देते हैं। तो एक ये भी चीज़ है। तो इसकी वजह से ये इतने वरिष्ठ हैं कि अखिलेश यादव जी ने इनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया है और शिवपाल सिंह यादव जी अब कुछ कह नहीं सकते, कम से कम इनके वरिष्ठता को लेकर के कि कितने सीनियर हैं। अब एक चीज़ ये भी है, अखिलेश यादव जी के लिए कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं
कि ये इनका मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक है या नहीं है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन एक स्ट्रोक ज़रूर है, क्योंकि इन्होंने पीडीए की बात करके 37 सीटें तो ले ली हैं लोकसभा की 2024 में जो अभी चुनाव हुए थे, तो 37 सीटें मिल गई हैं पीडीए के दम पर। और अगर ये नेता प्रतिपक्ष ब्राह्मण को बनाते हैं तो इनकी एक ये भी कवायद होगी कि किसी भी तरह से ब्राह्मण समाज को भी यहाँ पे जोड़ा जाए, ब्राह्मण को भी साथ में पार्टी के लाया जाए। अभी क्या है, ब्राह्मण भाजपा के साथ ज़्यादा है, इनके साथ नहीं है, समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन इनका ये कहना है कि कुछ भी हो धीरे धीरे कदम बढ़ाने से बात बनेगी, और ये पार्टी के साथ जैसे ही ब्राह्मण समाज भी जुड़ेगा तो इनकी पार्टी को और भी ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन दोस्तों ये सब तो खैर भविष्य की बातें हैं, देखने में तभी पता लगेगा कि आप ब्राह्मण इनके साथ जुड़ता है या नहीं जुड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मण को इन्होंने नेता प्रतिपक्ष बना दिया इससे पीडीए के लोगों में असंतोष आ जाए, मतलब कि जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, वहाँ कोई सोचने वाली बात आ जाए कि 37 सीटें तो हम लोगों ने दी तो नेता प्रतिपक्ष हमको बनना चाहिए था और बना दिया है अगले को, तो एक ये भी समस्या आ सकती है। तो ये दिक्कत वाली चीज़ भी हो सकती अखिलेश यादव के लिए। लेकिन अभी तक देखने वाली बात ये रही है कि पीडीए ने भरपूर साथ दिया है अखिलेश यादव जी का। इसी के साथ दोस्तों एक चीज़ और अब बता दें आपको कि जो नेता प्रतिपक्ष होता है उसकी जो राजनीति होती है उसको और चमकाने का मौका मिलता है, क्योंकि वो सदन के अंदर क्वेश्चन करता है और सीधी उसकी जो बातचीत होती है वो मुख्यमंत्री से होती है। जब आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री से क्वेश्चन करते हैं, उनके ऊपर सवाल उठाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आते हैं, आप लोगों की निगाहों में आते हैं, तो उससे आपका कद बढ़ता है, लोगों के प्रति लोगों के बीच में आपकी जाने जाते हैं और पहचाने जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं आपको राजनीति करने में बहुत आसानी होने लगती है और लोग आपको जानने लगते हैं, पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलता है। और जो नेता प्रतिपक्ष होता है उसकी एक अलग ही रौब होता है, ये समझ लीजिए, एक वो मतलब एक मंत्री की तरह ही बिल्कुल आप समझ लीजिए उसको ट्रीट किया जाता है। ये समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे जी को दे दिया है पद, अब देखते हैं कि वो अपना कार्य कैसे करते हैं। हालांकि उन्होंने तो बोला है कि वो अपना कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से निभाएंगे और जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे सरकार के सामने, और सरकार को इस बात के लिए हमेशा विवश करते रहेंगे कि वो जनता के कार्यों को अच्छी तरीके से करे। ठीक है दोस्तों, अब इस पे और भी कुछ आगे न्यूज आती रहेगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।